हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। जी हां, आज हम लेके आए हैं लेनोवो की लॉक सीरीज। जी हां, हमने लॉक सीरीज में पहले भी काफी वीडियोस बनाई हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, लेनोवो ने अपने जो भी अब गेमिंग सीरीज है, जैसे लीजन तो आती है, और एक बेसिक जो लॉक सीरीज में भी इन्होंने काफी गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च करे हैं। आज एक रिसेंटली इन्होंने लास्ट मंथ जो लैपटॉप लॉन्च किया है वो ये मॉडल है लॉक 15। इसकी खासियत क्या है, देखिए अभी तक हम देखते आते थे, जब शुरू से हम देखेंगे, जैसे रैम शुरू हुई थी एमबी में हुई थी, जब आपको नहीं देखी होगी, लेकिन जैसे आपको मान के चलो 4 GB लोगों ने नॉर्मल देखी है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 32 GB हम देखते थे, 2 के मल्टीपल में रैम आती थी। लेकिन जी हाँ, ये लैपटॉप जो लॉन्च किया है लेनोवो ने, वो 24 GB में लॉन्च किया है। जी हाँ, अभी तक मैंने नहीं देखा है 24 GB में। अगर मैं ये कहूं कि अभी तक आपने खुद नहीं देखा होगा 4 GB, 8 GB, 16 GB या 32 GB के अलावा कोई भी लैपटॉप, ये कंपनी ने 24 GB के करीब 5 से 6 मॉडल लॉन्च करे हैं। आज हम एक मॉडल आपके लिए लेके आए हैं, जिसको हम अनबॉक्स करेंगे, उसके रिव्यू करेंगे, और कहीं मत जाइएगा, हर मॉडल की तरह इस लैपटॉप का भी बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, अगर आपको लेटेस्ट लैपटॉप्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, सबका बैक पैनल ओपन चाहिए, क्या अपडेट हो सकता है नहीं, हमारा लैपटॉप मास्टर जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नए नए लैपटॉप्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं, ये लैपटॉप हमें मिला है लेनोवो से, और जिस डीलर के थ्रू मिला है वो है दिल्ली के अंदर करोल बाग में लेनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर KPNG टेक्नोलॉजीज। यहां पे आपको लेनोवो के मोस्टली लैपटॉप मिल जाएंगे काफी अच्छे रेट पे, कभी भी आपने लेना तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं। ये लैपटॉप अनबॉक्स होने के बाद KPNG टेक्नोलॉजीज के थ्रू वापस कंपनी में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है, कि जैसे कि इधर हर लैपटॉप में ये आपको प्रीमियम पावर कोड मिलती है, एडेप्टर है, 170 वॉट का एडेप्टर आपको इसमें मिलता है। गेमिंग लैपटॉप है तो आपको 170 वॉट ही मिलेगा। अगर हम टिप की बात करेंगे, स्लिप टिप यूएसबी जो टिप आती है लेनोवो के अंदर, यूएसबी टाइप सी नहीं है, नॉर्मल इसके चार्जिंग पॉइंट है। यूजर मैनुअल्स इसके साथ आपको मिलते हैं, और ये है लैपटॉप। जी हाँ, देखिए अगर मैं वेट की बात करूं तो इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 2.4 kg है। जी हाँ, गेमिंग लैपटॉप है तो आप मत एक्सपेक्ट करिएगा आपको 1.5 या 1.6 kg मिलेगा, ठीक है। ग्रे कलर के अंदर लैपटॉप है, ABS मटेरियल के अंदर ये आपका बना हुआ है, टॉप और बॉटम ABS मटेरियल में आपको कहूं तो वो प्लास्टिक ही होता है, मेटल बॉडी में ये नहीं है। एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं कि एक हाथ से ओपन होता है या नहीं। एक हाथ से बहुत ही इजीली ओपन हो गया है, इसके अंदर भी आपको ये यूजर मैनुअल मिल जाएगा एक, राइट। आपने ओपन करते हुए ध्यान नहीं दिया होगा, इसको हम साइड से ओपन करते हैं, आपके सामने रखते हैं, फिर इसको एक बार फिर ओपन करते हैं। अगर मैं आपकी इसमें बबलिंग की बात करूं तो बहुत कम बबलिंग देखने को मिली होगी जब आपने देखा है। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बहुत ही बेटर बिल्ड, ABS मटेरियल काफी जो प्लास्टिक होता है काफी मजबूत आप इसको कह सकते हैं, इजीली मेल्ट नहीं होता है। अगर मैं बैक पैनल की बात करूं तो देखिए बैक पैनल गेमिंग लैपटॉप है आपका, 2 इसमें एग्जॉस्ट हुए। लॉक सीरीज के अंदर खासतौर से अब सीरीज जो भी आ रही है लेनोवो ने काफी चेंजेस करे हैं पैटर्न में, जो हम पहले देखते थे यहाँ पूरा वेंटिलेशन होता था, लेकिन अब थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज करी है कि यहां से एयर जाए। जैसे अगर आप देखते हैं ना कि 2 बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें एक स्पेस में आप खड़े हो तो आपको ज्यादा प्रेशर से हवा लगती है, वही एक टेक्नोलॉजी उन्होंने लेनोवो ने यूज करने की कोशिश करी है, कोशिश नहीं करी बस बेसिकली यूज करी है। अगर मैं आपको स्लीकनेस की बात करूं तो देखिए लैपटॉप में काफी स्लीकनेस है। अब आप ये मत सोचिएगा कि बाकी लैपटॉप ज्यादा स्लीक होते हैं, ये गेमिंग लैपटॉप है उसके अकॉर्डिंग ये काफी स्लीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, दोनों तरफ एक साइड आपको एक भी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा लैपटॉप के, और एक साइड आपको पोर्ट्स देखेंगे। आप ये सुनेंगे पोर्ट्स गए का, लॉक सीरीज है, इसके बैक पैनल में आपको काफी पोर्ट्स दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को बूट करते हैं, और फिर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हम लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके भी देखेंगे। और सबसे पहली बात जानने की इच्छुक मेरी यही हुई थी कि इसमें रैम कैसी है, 16 GB की एक है, 8 GB की एक है, 12 GB की हमने रैम देखी नहीं है। अगर आप थोड़ा स्पीड टेक्निकल है आपको बताओ, मार्केट में 12 GB की रैम नहीं मिलती है आपको। तो इस लैपटॉप में देखते हैं कि 16 GB की रैम है, 8 GB की, 2 12 GB की, किस तरीके से, या 24 GB की एक है। ये लैपटॉप का जब बैक पैनल ओपन करेंगे हमें जब ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। अगर हम पोर्ट की बात करें
तो देखिए लैपटॉप के राइट साइड में एक भी पोर्ट नहीं दे रखा है लेनोवो ने, और अगर हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो हमें जो पहला पोर्ट मिलता है वो है यूएसबी। जी हाँ, आपको यूएसबी मिलेगा, ये यूएसबी टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ 3.2 है जेन 1। उसके साथ आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक आपका माइक्रोफोन और हेडफोन के लिए। साथ में आपको एक कैमरे के शटर के लिए आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और फिर साथ में आपको मिलता है यूएसबी टाइप सी 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ जेन 2। अगर हम देखेंगे लैपटॉप के बैक साइड में, तो लैपटॉप के बैक साइड में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पोर्ट है वो है चार्जिंग के लिए। लैपटॉप आप इससे चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा यूएसबी टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। उसके साथ आपको मिलता है RJ45 कनेक्टर। गेमिंग लैपटॉप है तो उसके लिए आपको लैन पोर्ट जरूर चाहिए 10x100x1000 का। साथ में आपको मिलेगा HDMI पोर्ट 2.1। जी हाँ, आप प्रोजेक्टर और LED TV कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको एक और मिलता है USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, USB 3.2 Gen 1। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए, बात करेंगे प्रोसेसर की, तो इसमें i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13450HX प्रोसेसर। एक तो ये भी याद रखिएगा, HX प्रोसेसर है जो H से बेटर होता है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में हम मोस्टली H प्रोसेसर देखते हैं। HX आपका, आपने देखा होगा, मोस्टली 1 लाख के ऊपर लैपटॉप में रहता है। इसके अंदर आपको HX प्रोसेसर मिला है इस लैपटॉप में। अगर बेस स्पीड की बात करेंगे तो 2.4 GHz है। मैक्सिमम जो टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है इसकी है 4.6 GHz। अगर हम कोर्स की बात करेंगे, 10 कोर्स है इसमें, और 10 कोर्स में आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो 6 कोर है वो परफॉर्मेंस कोर है और जो 4 है वो एफिशिएंट कोर है। यानी जो 4.6 GHz इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो सिर्फ 6 परफॉर्मेंस कोर्स के लिए है। जो 4 कोर्स के लिए मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो है 3.4 GHz। आप लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो 16 है, और L3 कैशे की बात करेंगे तो वो है 20। अब आ जाते हैं रैम पे, जो इस लैपटॉप का सबसे डिफरेंट फीचर्स हैं, जो आपको मार्केट में इसका कंपटीशन आज की डेट में तो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, 24 GB बाय डिफॉल्ट कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। अभी लिनोवो ने ही अपने लैपटॉप में लॉन्च किया है 24 GB, और इस सीरीज में करीब 5 से 6 लैपटॉप लिनोवो ने लॉन्च किए हैं, जो पहला लैपटॉप आज हम आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, स्पीड है 4800 MHz, यानी इसमें आपकी DDR5 रैम लगी हुई है। अब ये एक, देखिए, जो पहचान सकते हैं वो अभी तक पहचान गए होंगे कि उसमें इनबिल्ट रैम है, कौन कौन सी रैम है, कैसी है, लेकिन ये हम आपको बताएंगे जब हम लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे। और जिनको पता चल गया है, आपको देख, जो लोग समझ गए होंगे वो तो पता, इसको स्क्रीन को देख के पता लगा ही लेंगे कि कौन कौन सी इसमें रैम लगी हुई है। यहां पे अभी मैं आपको बता दूं, 4800 MHz DDR5 है। डिस्क, जी हाँ, WD की Gen 4 512 GB की SSD आपको इसमें मिलती है, 512 GB SSD, जिसकी कैपेसिटी 477 GB है। GPU, ये इनबिल्ट GPU है इंटेल का, USD ग्राफिक्स, जो मैटर नहीं करता है, गेमिंग लैपटॉप है। यहां पे आते हैं तो हम देखते हैं NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB का, 6GB ग्राफिक्स, डेडिकेटेड 6GB है। अगर हम शेड की बात करेंगे तो 11.9 है जो आपका रैम शेड करता है, टोटल हमारी ग्राफिक्स होता है 17.9। लेकिन आप ये सब भूल के आप याद रखिएगा, इसमें ग्राफिक्स 6GB का है, 6GB DDR6 आपको इसमें मिलता है, RTX 3050, मतलब आप कोई भी गेमिंग या कुछ भी आप करेंगे उसके लिए बहुत बेटर ग्राफिक्स है। मैं अगर इसकी वाईफाई की बात करूं तो वाईफाई भी बताता हूं, वाईफाई इसमें 6 है और ब्लूटूथ है इसमें 5.2। और दोस्तों, अगर हम इसकी ग्राफिक्स की TDP की बात करते हैं तो हम ये भी ओपन करके आपको दिखाते हैं। इसमें अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करेंगे ग्राफिक्स की, तो मैक्सिमम ग्राफिक्स पावर जो है वो है 95 वॉट की आपको इसमें ग्राफिक्स मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं, जो अभी आप वॉइस सुन रहे थे वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए, जिससे आपको माइक की क्लैरिटी भी पता चल जाए। स्क्रीन की बात करते हैं तो इस पे 15.6 इंचेस का फुल HD 1920x1080 IPS 300 nits डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। एंटी ग्लेयर है, 100% sRGB है, और आपको इसमें 144 हर्ट्ज की स्क्रीन मिलती है। अगर हम बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा इसमें फुल HD 1080p विद ई शटर के साथ आपको मिलता है, डुअल एरे माइक्रोफोन के साथ। तो चलिए दोस्तों,
जिसका आपको इंतजार रहता है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर रैम का क्या सीक्रेट है। तो देखिए लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। जैसे कि आपको पता ही है गेमिंग लैपटॉप में आपको दो फैन मिलते हैं, एक प्रोसेसर के लिए और एक ग्राफिक्स के लिए। प्रोसेसर हमारा इसमें i5 है 13th generation HX प्रोसेसर और ग्राफिक्स है 6GB 3050। तो दोनों यहां पे आपके लगे हुए हैं, ग्राफिक्स भी और प्रोसेसर भी, दोनों के साथ एक एक फैन अटैच है। हम यहाँ पे SSD देखेंगे तो यहाँ पे हमें 512GB की SSD आपको मिलती है, WD की जो हमने देखी थी। यहाँ पे एक स्लॉट खाली है, यानी आप एक SSD और लगा सकते हैं, जो Lenovo के सबसे बढ़िया बात होती है। Lenovo अधिकतर अपने गेमिंग लैपटॉप के अंदर एक स्लॉट आपको एक्स्ट्रा देता ही है, मोस्टली सब में नहीं देता, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम रैम की बात करेंगे, यहाँ कवर लगा हुआ है, हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे हमारी रैम लगी हुई है। मैं ओपन करके देखता हूं, क्योंकि देखिए जैसे हमने देखा था, अगर हम यहां बात करेंगे तो ये 12GB की रैम है। जी हां, मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस में बताऊं, हमने हमेशा 8GB देखी, 16GB देखी, यानी 8GB 16GB, लेकिन इस लैपटॉप में 12GB की दो रैम लगी हुई है। जी हाँ, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये लैपटॉप 32GB तक इजीली अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन दोनों रैम को आपको निकालना पड़ेगा, 16GB की आपको दो रैम लगानी पड़ेगी। इस वीडियो में जो सबसे बड़ा सस्पेंस था यही था कि 12-12GB की रैम, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि 12-12GB की होगी, ये था कि 16 और 8 की होगी। बात करेंगे BIOS, यहाँ पे आपका सेल लगा हुआ है, CMOS सेल जिसके हम बात करेंगे। ये हमारी बैटरी है, 60 Wh की बैटरी आपको इसमें मिलती है। वाईफाई की बात करेंगे, यहाँ आपका वाईफाई 6 लगा हुआ है, ब्लूटूथ 5.2 और दो स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, दो साइड में आप देखेंगे जो स्पीकर लगे हुए हैं। तो देखिए, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो Lenovo ने इसके अंदर बहुत अच्छी आपको अपग्रेडेशन की ऑप्शन दी है। आप रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं और SSD भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने अनबॉक्स किया Lenovo लॉक 15, Lenovo की लॉक सीरीज का 15 कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी हमने देखी i5 13th generation 24GB रैम, जी हाँ, जो हमें डिफरेंट लगा अभी तक बाकी लैपटॉप्स में। और हमने SSD देखी 512GB SSD थी, 6GB हमने ग्राफिक्स देखा RTX 3050। देखिए, रिव्यू करने से पहले इसके बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ये मार्केट में आपको 75-80,000 का इजिली मिल जाएगा। जी हाँ, देखिए अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी स्पेक्स की बात करते हैं। देखिए, प्रोसेसर हमारा i5 13 है, HX है, इस प्राइस रेंज के अंदर ये प्रोसेसर बेस्ट है। रैम हमने देखा 24GB, नॉर्मली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 16GB मिलेगा। एक ये अलग एडवांटेज है, 24GB का आपको इसमें मिल रहा है, DDR5 है, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, SSD जरूर 512GB है, लेकिन जो प्राइस बैंड है उसमें अगर आप कंपटीशन में भी जाएंगे तो आपको 512GB ही मिलेगी, जिसमें 1TB भी है। HP के अंदर भी हमने कुछ मॉडल्स देखे हैं जिसके अंदर 1TB है, लेकिन उसका ग्राफिक्स आपको फिर 4GB 2050 मिलता है, यहां पे आपको 6GB 3050 RTX मिल रहा है। तो और 512GB आपने देखा कि इसमें दो स्लॉट्स थे जब हमने लैपटॉप को ओपन किया, तो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो, 1TB की आप 2 यूज लगा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक्स हमने देखा 6GB RTX 3050, वो भी अभी तक अगर हम देख रहे थे तब तक 40 सीरीज आई थी, 3050 एक सबसे बेस्ट प्रोसेस ग्राफिक्स था। उसके अलावा हमने इसकी स्क्रीन देखी, 100% sRGB है, 144 हर्ट्ज की है, जो नॉर्मली आपको गेमिंग एक लैपटॉप के अंदर चाहिए होती है। अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूं तो इसमें आपको सारा सॉल्यूशन आपका मिल जाता है, और 80,000 के प्राइस बैंड में मेरे को यह लैपटॉप काफी बेटर लगा। अगर आप भी जब लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस लैपटॉप के बारे में आप जरूर सोचिएगा। ABS मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, स्क्रीन साइज भी आपको इसमें 15.6 इंचेस फुल HD मिल जाता है। बेसिकली अगर मैं कहूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर इस लैपटॉप में कोई भी कमी नहीं है जो मैं निकालना चाहूं, आपने वो ब्लिंग देखी वो भी आपको नहीं दिखाई दी। और अगर मैं लास्ट में यही कहूंगा इस रिव्यू के अंदर कि अगर आप कोई भी वेब डिजाइनिंग के लिए या ग्राफिक्स के लिए किसी भी काम के लिए जिसमें ग्राफिक्स की जरूरत होती है उस, और आपका बजट है 80,000 तक की रेंज में,
तो आप इस लैपटॉप को इजीली ले सकते हैं। देखिए वारंटी की बात करेंगे तो Lenovo इसके साथ आपको 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी देता है। अगर आप अपग्रेड कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, आप एक्सीडेंटल डैमेज भी ले सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे हर वीडियो में यही कहता हूं, मैं अब भी यही कहूंगा, जब भी आप एक्स्ट्रा वारंटी ले या एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन ले तो हमेशा उसी कंपनी की ले जिसका आप लैपटॉप खरीद रहे हैं। अगर आप Lenovo का ले रहे हैं तो Lenovo से ही ले, आप HP का ले रहे हैं तो HP का, डेल का डेल का, ASUS का है तो ASUS, कभी भी थर्ड पार्टी वारंटी आप मत लीजिएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने बहुत लोगों को घूमते हुए देखा है कि जी हमने 12,000 की 13,000 की एक्सीडेंटल वारंटी ली थी, वो हमें नहीं मिल रही है, फिर वो बाद में ब्रांड को बोलते हैं कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी वारंटी ले रखी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लैपटॉप ले रहे हो वारंटी एक्सटेंड करानी है तो उसी ब्रांड की करानी है और किसी की भी नहीं करानी। आपने लैपटॉप लेना है तो हमने कुछ आपने जो Lenovo एक्सक्लूसिव स्टोर है उनके नंबर हमने नीचे दे रखे हैं, आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं। यहाँ जहां से हमें लैपटॉप मिला है वो करोल बाग के अंदर है, Lenovo एक्सक्लूसिव स्टोर, आप वहां पे भी कॉल कर सकते हैं। जो ये लैपटॉप की आपको अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग हम बता दे रहे हैं, 80,000 का मार्केट में आपको इजिली मिल जाएगा। और हाँ ये भी याद रखिएगा, जब भी आप वारंटी ले रहे हो, अगर आप ये सोचते हो कि हमारा बेटा या हम थोड़े से नेग्लिजेंसी है, हमारा बच्चा नेग्लिजेंट है, तो आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन ही जरूर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी स्क्रीन या बॉडी डैमेज हो जाती है उसकी कॉस्ट काफी करती है, और Lenovo नॉमिनल चार्जेस में 3,000 या 4,000 रुपए में आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन दे देता है। ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, पीछे 2,999 में 3 साल तक आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिल रही थी। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नए नए लैपटॉप की वीडियोस आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जी हाँ, हम कोशिश करते हैं नए नए लैपटॉप्स आते हैं सबको अनबॉक्स करने की और उनका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाने की, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिलती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप साथ, तब तक के लिए जय हिंद।